नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के सामने मसाला डोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और मसाला कैसे बनाते हैं, मैंने ना तेल तो गर्म हो गई मेरी कढ़ाई में, और मैं उसमें थोड़ी जीरा, सरसों और लाल मिर्च तेल में डाल दे रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, जो मेरे पास आइटम अवेलेबल है मैं उसी आइटम के साथ ही बना रही हूँ। मेरे पास इसमें तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, मगर अभी मेरे पास फ़िलहाल में अभी उतना आइटम नहीं है। तो मैं प्याज और लहसुन डाल दूँ। अदरक भी ख़त्म हो गई है, अब लाल नहीं होना। मेरे इसको मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी, और थोड़ी कड़ी पत्ते, सिंपल तरीके से बनाने का बस आज मन किया। मसाला डोसा बाटर रखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आज मसाला डोसा हम लोग बनाएंगे। और उसकी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। बस मैंने देखिए, और मैंने यहाँ पे बादाम, थोड़े बादाम भूंज के रखे हैं, और चोखा मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, नमक मिला के रख दिया है। ये थोड़ा प्याज लाल हो जाएगा, आलू का मैश किया हुआ जो चोखा है उसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल है। आदमी को हमेशा एक ही चीज़ खा खा के इंसान बोर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा चेंज भी करते रहना चाहिए। और मन भी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जैसा मन है, इसीलिए मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं आप लोग से ढेर सारी बातें करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी। अभी थोड़ा हल्का हल्का वीडियो बना लेती हूँ, जब कोई खाना बनाती हूँ तो उसका वीडियो कर लेती हूँ मैं। अब मैं ये चोखा है, अब चोखा इस पर डाल दूँगी। बस हल्का सा सिंपल सा बना रही हूँ मैं मसाला, उतना ताम झाम है नहीं तो मसाले में मेरे। और मैंने इसमें अदरक भी थोड़ा डालते हैं, टमाटर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वाद आता है। बस अभी जो है घर में उसी चीज़ से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मसाले की। और चटनी तो वही आपने तो शेयर किया है, मैंने बादाम और उसकी चटनी। मसाला बन रहा है, मसाला हो ही गया, थोड़ा सा हल्दी के दूर पर और थोड़ा लाल होता है। Thank you.